हमने समोसा और चक्की में मैं भी चला समोसा और चक्की खाने। अगर आपको भी खाना हो तो आ सकते हो। चाय पीने के बाद कुल्हड़ फोड़ने मुझे ज़्यादा मज़ा आता, तो आज बहुत दिन बाद कुल्हड़ मिली है चाय। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं और हल्की हल्की ठंड भी है क्योंकि नवंबर लास्ट का टाइम चल रहा है इस वक्त, तो हल्की हल्की ठंड भी है यहाँ पे। और आज हम लोग जाने वाले हैं और शेविंग मैंने किया नहीं है तो दाढ़ी वाड़ी एकदम बड़ी बड़ी है। आज इसी हिली में मुझको जाना पड़ेगा आज। तो चलिए अभी ट्रिप स्टार्ट करते हैं, आपके वेट कर रहा है और जस्ट वो बाइक लेके आता है फिर हम लोग निकलेंगे ट्रिप के लिए। चलो बाय। फिर तो मैंने सिर्फ टी शर्ट पहन के रखा हुआ था लेकिन काफ़ी ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो मुझे लगा कि मुझे और कपड़े पहन लेने चाहिए क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जस्ट अभी मैं गया और ये कपड़े पहन के आए। आई होप कि अब ठंड ना लगे। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, एक जैकेट पहनी जाए, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने इतना पहन लिया है। काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, सॉरी फॉर नॉइज़। मैं कोशिश करूँगा इसको हटाने की, जितना हटा सकता हूँ उतना हटाऊँगा मैं इसको।
15 किलोमीटर नियर अबाउट कंप्लीट कर लिया है और अभी करीब 60 या 70 किलोमीटर और हम लोग को कम्प्लीट करने को। काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा, सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम लोग हाईवे पर हैं और काफ़ी नॉइज़ है। और हम लोग यहाँ से हुए हैं जस्ट 50 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। अंकित ऑर्डर कर रहा है टी और सम स्नैक्स का, उसके बाद फिर हम लोग टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की ओर निकलेंगे। यहाँ से ट्रैवल का बहुत ही मस्त मज़ा आ गया यहाँ के ट्रैवल करने में। और यहाँ पर रोड आप देख सकते हो, हाईवे बहुत मस्त है और ये हाईवे का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी तक मैंने बाइक का एक्सपीरियंस नहीं लिया था और मैं अगर जाता भी था तो घर पे गांव से शहर से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर की दूरी है, तो बस उतना ही एक्सपीरियंस था। हाईवे पर अभी तक मैं कभी बाइक लेकर नहीं गया था, तो हाईवे पर जस्ट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और अभी आगे मैं प्लान बना रहा हूँ कि इलाहाबाद से मुंबई जाने का बाइक से, तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाईवे मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो जस्ट इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी कुछ ट्रिप मार लेता हूँ और उसके बाद फिर हाईवे के लिए निकलूँगा। तो मैं भी इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप शायद चित्रकूट की बनाऊँ या फिर देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। उसके लिए मैं आप लोग को बता दूंगा कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप कब और कहाँ की बनने वाली है। तो आज तो खैर ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, अभी तक का ये 50 किलोमीटर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और अभी जाना है और वापस भी आना है तो उसमें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने समोसा और चट्टी में मैं भी चला समोसा और चटनी खाने, अगर आपको भी खाना हो तो आ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो हमको। इसके बाद हम टी पियेंगे और आगे के लिए फिर निकलेंगे। तो फिर जब समोसा ख़त्म हो गया हम लोग टी पी रहे हैं। वाह मस्त चाय मिली है हाईवे पे, बहुत दिन बाद ऐसे गांव की चाय एकदम शुद्ध दूध की, मज़ा आ गया भाई। वैसे भी कुल्हड़ चाय मुझे बहुत पसंद है और बहुत दिन के बाद मैं कुल्लड़ पी रहा हूँ और चाय पीने के बाद कुल्लड़ फोड़ने मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज बहुत दिन के बाद कुल्लड़ मिली है चाय, वाकई में बहुत अच्छी चाय है, बहुत मज़ा आ गया एकदम। बड़ी थकान दूर हो गई यार, बाइक पे बैठे बैठे एकदम पूरा कमर दर्द हो रहा था और अब तो एकदम चाय पी के मज़ा आ गया एकदम बिल्कुल। अरे आगे भी ऐसी चाय हमें मिलती रहे, आप भी शॉप देख लो अगर आपको भी चाय पीने का मन हो तो यहाँ आ सकते हो, बहुत अच्छी चाय देते हैं।
बस में आ चुके हैं और जस्ट अभी अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम ऑफिशियल वर्क से आए हैं कुछ, तो आपके जा रहा है मीटिंग के लिए और मैं भी साथ में जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो मिलते हैं आपसे आफ्टर मीटिंग, तब तक के लिए बाय। अब हम लोग की मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई फाइनली, तो सारे काम यहाँ पे निपट गए हैं, ट्रेनिंग जो बच्चों की थी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई है और हम लोग का भी काम यहाँ से फाइनली ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग वापस निकलेंगे इलाहाबाद के लिए और इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगा और यहाँ से इलाहाबाद वापस जाने की जो वीडियो होगी वो दोबारा से स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को ओपन करते हैं अभी यहीं से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक बाय।